सर्दी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा। CRS स्पेशल सामने से आ रही है, और सामने से मतलब इधर से, लेकिन मैं आपको हालत दिखा रहा हूँ कि फ़िलहाल कंडीशन ये है कि हाथ इतनी बुरी तरह जम चुके थे ना, क्या बताएं। इसमें जहाँ तक मेरे ख्याल है 3 पावर्स हैं, मतलब 3 लोकोज हैं, सभी के नंबर नोट करना एक चैलेंज होगा। हॉकिंग तो हो रही है, लेकिन एक्चुअली आइडिया नहीं लग पाता ना इस फॉग की वजह से। फॉग की वजह से आइडिया नहीं है, तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। फिलहाल CRS की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से अब ये जा रही है देवबन। देवबन में जाके फिर CRS जो होंगे वो मोटर ट्रॉली से इंस्पेक्शन करेंगे, और मोटर ट्रॉली से पूरा दिन नागल टपरी वगैरह का इंस्पेक्शन करते रहेंगे, और फिर बाद में स्पीड ट्रायल होगा शाम को, वो सब नोट करना है। फिलहाल आप देखिए 40294 लैप 5 35016 अनदर पिगीबैक 40200 आज का दिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब गया है। तबीयत ख़राब इतनी, आप मेरी हालत देख ही सकते होंगे। जैकेट, मफलर, जर्सी, नीचे फिर शर्ट, फिर नीचे इनर, मतलब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। बुखार वगैरह, मैंने पोस्ट डाला भी था यूट्यूब पे, और खैर कोई बात नहीं, आज का दिन इम्पोर्टेंट है, और जितना ये इम्पोर्टेंट दिन है उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये सब करना भी था। तो फिलहाल हम मेरे साथ आप लोग भी हैं, तो हम हैं अभी टपरी, और नागल से मोटर ट्रॉली निकली है। तो अगर मोटर ट्रॉली नागल से निकली है वो यहाँ पे किसी भी टाइम आने वाले होंगे, मोटर ट्रॉली से एक बार आ जाएं, फिर आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी। चलिए फिलहाल आपको कुछ टपरी दिखाते हैं, और ये वीडियो, चलिए वीडियो को बाद में डालते। थोड़ा देखिए, अभी हम टपरी हैं, और टपरी पर स्टेशन फिलहाल बिल्कुल खाली पड़ा है, और उस साइड से वो लोग आएंगे। ये एक लूप लाइन है जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ ये, और वो मेन लाइन है, उस पर वो लोग आ रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है उधर से,
अधिकारी जो है ना वो कर रहे हैं चेकिंग सिग्नलों की। जो आपका डब्ल्यू का जो था वो ये हमारा तैयार में कॉल आ गया था। खैर कोई बात नहीं, कॉल करते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, पर्सनल कॉल भी काफ़ी आते हैं। फ़िलहाल मैं टपरी हूँ और ये टपरी फ़िलहाल इसका नक्शा बहुत बुरी मतलब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, बोर्ड बिल्कुल नए हैं, इनसे अभी तक पॉलिथीन भी नहीं उतरी, जो कि अच्छी बात है। नए बोर्ड हैं, हर तरीके से मैप भी बिल्कुल नया है। और यहाँ पे पहले जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे पहले कभी मिट्टी का ढेर हुआ करता था, वो आप देख भी पा रहे होंगे, जाने जाने कैसे कैसे ये लोग मैनेज करते हैं। और देखिए कमाल की बात ये है कि अभी तक भी इनका इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है ना, सही से इनका इलेक्ट्रिफिकेशन अभी पूरा हुआ ही नहीं है। इनका स्पेशल टारगेट ये है कि अपने को मेन लाइन चला देनी है जल्दी से जल्दी। ये अभी देखो ये भी ताज़ा ही है, आज ही आज में इन्होंने किया होगा। हाँ बिल्कुल ताज़ा है अभी। चीफ ऑफ रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन उसके चक्कर में जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तभी ठीक नहीं लग रही है मेरी फिर भी। आज मैंने पोस्ट डाला था लगभग 12 या 1 बजे के अराउंड, तब हुआ ये था कि सुबह जैसे मैंने CRS इंस्पेक्शन स्पेशल कैप्चर की जो कि दिल्ली साइड से आ रही थी, तो दिल्ली साइड से आते हुए मैंने उसको कैप्चर किया। ठंड काफ़ी थी और उसके पीछे पीछे ही लगभग मैं टपरी आ गया था, लगभग नागल में था मैं, तो मुझे शरीर में थोड़ा अकड़न महसूस हुई तो मैंने इग्नोर किया कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर ज़्यादा ही जब प्रॉब्लम होने लगी तो फिर मैंने हल्का मुझे आइडिया लगा बुखार का, फिर डॉक्टर के यहाँ गया और तभी उसने बताया कि हल्का फीवर है, तो अभी मुझे कहीं भी जाने से अवॉइड करना है। अवॉइड करना है तो उसकी बात तो हम टाल ही नहीं सकते थे, तो उसी हिसाब से अब हम आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर मोटर ट्रॉली फिर भी कैप्चर कर लेंगे मोटर ट्रॉली। उसके बाद स्पीड ट्रायल में मैं पूरी कोशिश करूँगा कैप्चर करूँ, क्योंकि स्पीड ट्रायल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अभी आपको दिखाऊँ कि यहाँ तैयारी कितनी कितनी है। तैयारी से आपको आइडिया लगेगा कि इनको मेन लाइन कंप्लीट करने की जल्दी कितनी है। मैं थोड़ा कैमरा रोट करके दिखाता हूँ। ये जैसे दो लूप लाइन्स हो गई, दो प्लेटफॉर्म्स की है ना, और ये दोनों लाइन, वो लाइन तो ऑलमोस्ट ओके है, लेकिन ये लाइन जो है, ये लाइन आगे जाके देखिए आपको किस तरह का बेंड नज़र आएगा। ये लाइन नीचे धसी हुई है, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा पैकिंग होगी। पैकिंग होते होते फिर ये लोग आगे इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट करते करते तो ये होता है कि CRS इंस्पेक्शन होने के बाद भी कम से कम 6 महीने तक इंस्पेक्शन लगातार चलता रहता है। इंस्पेक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, 6 महीने तक लगातार मेंटेनेंस चलता रहता है, काम चलता रहता है। सबसे पहला वीडियो अगर आप देवबंद टपरी का देखेंगे तो उसमें रोहाना स्टेशन पे जैसे मैंने कवर किया था,
तो वहाँ पे तब भी काम चल रहा था रोहाना पे स्टेशन का, तो ये सब चलता रहता है। और फिलहाल जो आप लोग भीड़ देख पा रहे होंगे, वो भीड़ कुछ और ही कहती है, एक अलग ही चहलकदमी और एक अलग ही सुगबुगाहट सी कि हाँ CRS अब मोटर ट्रॉली का इंस्पेक्शन कर रहे हैं फिलहाल। तो ये सब चल रहा है और ये सब अभी चलता रहेगा फिलहाल, देखते हैं। फिलहाल CRS इंस्पेक्शन चल ही रहा है और इसमें एक स्टेज होता है मोटर ट्रॉली का, और ये लोग अभी मोटर ट्रॉली पे सवार होके आ रहे हैं सभी। मोटर ट्रॉली से हर एक चीज़ देखते हैं कि कहाँ कमी है, मतलब उससे ट्रैक सीधे सीधे पता लग जाता है कि हाँ कहाँ पे कमी हो सकती है और कहाँ पे उनको डायरेक्ट उतर के इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एट ए पॉइंट एट द टाइम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। CRS जो हैं वो शैलेश पाठक जी हैं, और शैलेश पाठक जी के साथ साथ अभी आगे इंस्पेक्शन चल ही रहा है और ये फिलहाल इंस्पेक्शन के साथ साथ आगे चलते जा रहे हैं। टपरी इनका लास्ट पॉइंट है जैसे कि आप लोग को पता ही है। लास्ट पॉइंट टपरी होने के साथ साथ अब ये यहाँ से बाय रोड निकल जाएंगे देवबंद साइड, और देवबंद पहुँच के गेट नंबर या फिर लेवल क्रॉसिंग नंबर 68 है वहाँ पे, उस लेवल क्रॉसिंग 68 पे फिर ये वापस गाड़ी में बैठ के अपनी जो इनकी CRS इंस्पेक्शन स्पेशल है जो मैंने आपको सुबह दिखाई हुई थी, उस इंस्पेक्शन स्पेशल से ये एक स्पीड ट्रायल करेंगे। स्पीड ट्रायल करते करते फिर स्पीड ट्रायल से फिर ये एक कंफर्म हो जाएंगे कि इसको अप्रूव किया जाए या नहीं। लगातार जो मैं देख पा रहा हूँ मोटर ट्रॉली 1 2 3 4 5 और ये गई छठी मोटर ट्रॉली। ये छठी मोटर ट्रॉली है, 6 मोटर ट्रॉली में लोग इस तरह सवार हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, इनका क्या बनता है। और कई जगह की टीमें आई हुई हैं, कई अलग अलग स्टेशन से टीम्स आती हैं यहाँ की। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट स्पेशली यहाँ पे लगा हुआ होता है, और ये 7वीं ट्रॉली 7वीं मोटर ट्रॉली भी यहाँ पे आ रही है। वो 7वीं मोटर ट्रॉली भी आ रही है। इसके साथ ही साथ टाइम फिलहाल 5:30 हो चला है, जो कि CRS शेड्यूल के हिसाब से ये लोग अब लेट हैं। लगभग आप मानिए 1.5 घंटे से ज़्यादा लेट हैं ये CRS शेड्यूल के हिसाब से। CRS शेड्यूल के हिसाब से अभी का मैं आपको बताऊं तो इसमें अब तक इनको स्पीड ट्रायल कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये लोग मोटर ट्रॉली पर ही अटके हुए हैं, और ये 7वीं मोटर ट्रॉली है। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से, मैं ज़्यादा पास नहीं जा सकता। ज़्यादा पास का आपको भी पता है कि किसी भी हमारे जैसे पर्सन का इस तरह इंस्पेक्शन टाइम में बीच में घुसना ज़्यादा बेटर नहीं होता, और ये अच्छा भी नहीं लगता है। चलिए अगर मान लिया मैं चले भी जाता हूँ तो ये अच्छा भी नहीं होता है ज़्यादा। और अभी ये 7वीं गई थी, और वो सामने से मुझे एक और मोटर ट्रॉली आती दिखाई दे रही है, वो है 8वीं मोटर ट्रॉली। जहाँ तक मेरा ख्याल आपको दिख रहा होगा, वो उधर लड़का उसको क्रॉस कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये 8वीं मोटर ट्रॉली से चल रहे हैं। अब बात आती है कि इन मोटर ट्रॉली में बैठा कौन होता है। देखिए मोटर ट्रॉली का सीधा सीधा मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक स्पेसिफिक रीज़न के साथ साथ कि अलग अलग पॉइंट्स पे वो सीधे सीधे नज़र मार सकते हैं कि कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ पे क्या दुरुस्त करना है, और क्या लाइन बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं।
पहला रीज़न तो इसका सीधा सीधा ये बैठ जाता है। दूसरा, दो बार मोटर ट्रॉली से इंस्पेक्शन होता है। अब मोटर ट्रॉली से इंस्पेक्शन के बाद फिर ये लोग जैसे स्पीड ट्रायल की तरफ बढ़ते चलेंगे, उसमें मोटर ट्रॉली से एक इनको निश्चिंतता एक हो जाती है कि हाँ अब ये लोग कर सकते हैं स्पीड ट्रायल। अब फिलहाल ये देखना होगा कि स्पीड ट्रायल होता क्या है, कितने टाइम में होता है। अभी ये आए हैं टपरी, टपरी से फिर अब बाय रोड जाएंगे, और इसके पीछे पीछे 8 मोटर ट्रॉली गई हैं, आपको मैंने बताया ही है, गिनी भी होंगी आपने। और ये इसके पीछे टावर वैगन भी लगातार चलती आ रही है कि ताकि कहीं अगर कोई दिक्कत भी हो तो ये लगातार उसको दुरुस्त करते चले जाएं, क्योंकि डबलिंग के साथ साथ OHE को भी देखना है। तो मैं ये बता रहा था कि इनमें मोटर ट्रॉली में होता कौन है। मोटर ट्रॉली में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का सभी ऑफिसर्स, उनके सुपरवाइज़र्स तक, जिनको जो बड़े सुपरवाइज़र्स हैं वो, और कुछ RPF पर्सनल्स भी होते हैं, RPFs के साथ साथ PVA परमानेंट वे जिसको कहते हैं, मतलब पटरियों के लिए, पटरियों का एक डिपार्टमेंट होता है अलग से, उसमें सीनियर ऑफिसर्स SSC से लेके और ऊपर CRS तक, सीनियर DN 1-2 ये सब होते हैं, और सीनियर DOM भी होते हैं। जो रेलवे में होंगे वो इनको ज़रूर जानते होंगे कि ये पोस्ट क्या कहलाती हैं। ये टावर वैगन आ चुके हैं इनके पीछे पीछे ही, 8 मोटर ट्रॉली और एक टावर वैगन, लगभग आप मानिए कि 50 तो नहीं, हाँ 50 के अराउंड तो लोग होंगे ही होंगे। अब सब रुक चुके हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और मैं भी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तबीयत मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है और मैं कुछ दवाइयाँ ले लेता हूँ। चलिए, पता नहीं आप सही से फेस देख भी पा रहे हैं या नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ, शाम के क्या टाइम हुआ है, हाँ अभी शाम के 6:30 बजे हैं, 6:30 जो बजे हैं तो अब शायद क्लियर दिखाई दे, हाँ शाम के 6:30 बजे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है अभी फ़िलहाल, यहाँ का टेम्परेचर मैं आपको बताऊँ तो कुल ही 2 डिग्री है, ओनली 2 डिग्री, तो सिर्फ 2 डिग्री के हिसाब से तो अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन ख़तरनाक लग रहा है। और दूसरा, थोड़ा जंगल एरिया है तो मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं, हो सकता है मैं नागल पहुँचूँ और नागल से फिर शायद स्पीड ट्रायल ले, और CRS यहाँ से निकल चुके हैं देवबंद के लिए, ठीक है, देवबंद के लिए वो बाय रोड निकले हैं, देवबंद से फिर अब टपरी के लिए स्पीड ट्रायल होगा। हालांकि लेट काफ़ी हो चुका है, 6:30 बज रहे हैं, पर कोई बात नहीं, चलते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, नॉट इवन माई फेस एक्चुअली। और अभी मैं हूँ नागल, रात के अंधेरे में, लगभग अभी टाइम जहाँ तक मेरा ख्याल है वो 7-7:30 के अराउंड होगा, अगर इस हिसाब से भी देखें तो। फिर जो स्पीड ट्रायल है वो 2 घंटे के अराउंड लेट है, और 2 घंटे काफ़ी होते हैं, 2 घंटे लेट स्पीड ट्रायल। चलिए अब देखते हैं स्पीड ट्रायल के लिए, हालांकि सिग्नल तो किया हुआ है इन्होंने, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है अब, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए ये स्पीड ट्रायल तो लेके ही जाना है। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा लाइट है, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ ताकि फेस भी दिखे, हाँ अब ठीक है। तो इंस्पेक्शन स्पेशल कैप्चर करके ही जाएंगे, अंधेरे में हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा पीछे खड़ा था, अभी थोड़ा हम रोशनी में आ जाते हैं।
हाँ भाई, मैंने उसे कहानी, दिक्कत ये है, मैंने उसे कहानी, बाइक थोड़ी पीछे खड़ी, बस उसे कह के आ जा कि ये बाइक भैया की है जो अभी टपरी से आए, आपसे मिले थे अभी अभी। अरे मैंने उसे कहा है ना कि मैंने उसे पूछा था, मैं भाई मैं अभी टपरी से आया हूँ, ये तो बात हो गई थी, लेकिन मैंने उसे बाइक के बारे में नहीं बताया। ठीक है, बोल रही अभी मैं कोई ये बाइक खड़ी है और भैया अभी अभी टपरी से आया था, आपसे मिले होंगे, स्टेशन साइड ही गए हैं। ठीक है, बड़े भैया को राम राम। अभी ये फोटो लिया है और फोटो में आप देख सकते हैं मैं नागल हूँ, और हालांकि इतनी चहलकदमी तो यहाँ पे नहीं है कि जो टपरी पे थी, क्योंकि टपरी से वो लोग जा ही चुके हैं देवबंद वापस, और लाइटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी की हुई है। फिर भी टपरी से वो वापस देवबंद जा चुके हैं और देवबंद से अब फील्ड ट्रायल होने वाला है। मैं वापस अभी उसी डॉक्टर के पास गया था, बोला कि मेडिसिंस की ज़्यादा ज़रूरत है, अभी घर जाके फिर अब रेस्ट होगा। आप लोग भी काफ़ी बोल रहे हैं कि रेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक पर्सन ने मुझे अभी अभी बोला कि भाई साहब आपने इतने दिन तो खीर खिलाई और लास्ट मोमेंट पे आप ऐसे छोड़ दोगे। मैं बोला भाई बात सही है, तो अब खीर का मज़ा पूरा देंगे। खैर उनके कहने में न जाने क्या क्या था, पर अब जो भी है हम स्पीड ट्रायल का पूरा लेके चलेंगे। फिलहाल नागल हैं, टपरी से वापस आ गया था क्योंकि टपरी पे खड़ा होना ज़्यादा ठीक भी नहीं था, जंगल एरिया है, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आगे वो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि लाइव सेशन में दे पाऊँ इस संडे। फिलहाल बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँ यहाँ के टेम्परेचर का। शायद सीआर स्पेशल आ रही है शायद, और 35016 उसमें लोको था इलेक्ट्रिक। ये न जाने सीआर स्पेशल ही है क्या है, ट्रायल हुआ 30117 सिंगल लोको का ट्रायल हुआ है, ये एक सिंगल लोको का ट्रायल हुआ है, हालांकि धूल काफी उड़ा दी।